तो चलिए खबर दे देते हैं आपको आपके मोस्ट फेवरेट शो यानी कि नामकरण से जुड़ी हुई जो ऐसी खबर है टॉप न्यूज जो आपको चौंका कर रख देगी और साथ ही कहानी के आगे आने वाले ट्रैक को जानने के लिए और देखने के लिए और भी ज्यादा बेताब और एक्साइटेड कर देगी। जी हाँ, बता देते हैं आपको कि कहानी में बहुत ही जल्द आप ये ट्रैक देखने वाले हैं और साथ ही विटनेस करने वाले हैं, जहाँ ये बात हमेशा हमेशा के लिए साफ हो जाएगी कि आयशा आज भी जिंदा है और आज भी कैद में है। वेल यस, आपको बता देते हैं कि एक बार फिर से बहुत ही जल्दी कहानी में आयशा के जिंदा होने के सबूत मिल सकते हैं नील को, क्योंकि जिस तरह से दयावंती की एंड का ट्रैक चल रहा है तो उसके बाद ये खबरें तेज हो चुकी हैं कि हो सकता है कि कहानी में एक बार फिर से आयशा की एंट्री हो जाए। पर खबरें तो यहाँ तक है कि आयशा आज भी जिंदा हो सकती है और साथ ही कैद में हो सकती है दयावंती के, और इसी वजह से दयावंती के ट्रैक को इतना लंबा भी खींचा जा रहा है, जिसके बाद जब दयावंती का अंत होने वाला होगा उस वक्त बता देगी दयावंती कि आयशा आज भी जिंदा है और कैसे कैसे दयावंती हाउस में यानी कि मेहता हाउस में आज भी बंधी हुई है। यानी कि दयावंती का ये कन्फेशन कई तरह के ट्रैक आगे आने वाली कहानी के लिए खोल कर रख देगा, जिसके बाद आखिर किस हालत में आयशा मिलेगी और किस हालत में भला आयशा और अपनी भी कैसे टूट जाएगी आयशा की इस हालत को देखकर, ये सब जानना देखना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो बने रहिए हमारे साथ और साथ ही सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल टॉप न्यूज़ जस्ट फॉर यू। टॉप न्यूज़ से आस्था की रिपोर्ट। For more details, subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss an update from Top News.